ओम श्री गणेश नमः। हर क्षेत्र में जय विजय। आप अपना चॉइस से जिस किसी क्षेत्र में जाना चाहते हो, हर क्षेत्र में आपको जय विजय प्राप्त होगा। लेकिन सिस्टम से आप, हम मानव समाज में रहते हैं, एक रहते मानव समाज और एक दानव समाज। राक्षसी शक्तियों को दानव समाज कहा जाता है, अर्थात जो मानव होते हुए भी उसका अगर चिंतन राक्षसी शक्ति का अगर है, तो उसके शरीर में आत्मा भी राक्षसी शक्तियों का ही है। अब हर क्षेत्र में जय विजय होना चाहते हैं। आपके पूरे शरीर में यह जो शब्द है, यह सरस्वती है, जीभा शब्द आपके जन्म जन्मांतर का पाप श्राप दोष या यह जन्म का यह जीभा यह शब्द में ही चल रहे हैं। और यही कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आपके जो जीभा जो शब्द में दोष है, वह दोष को निवारण मीठा शब्द और मंत्र के शक्ति से वह दोष को पहले निवारण कीजिए। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ मंत्र है एक ही महामंत्र गायत्री, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलते फिरते घूमते नहाते रसोई बनाते आप कभी भी जाप कर सकते हैं, कभी भी जाप कर सकती हैं। गायत्री महामंत्र है, इसके लिए कोई गुरु जरूरत नहीं है। तो शब्दों से ही इंसान गरीब और अमीर बनता है, शब्दों से ही इंसान देवी देवताओं को भी प्राप्त कर सकता है। तो पहले मिठास मधुर शब्द बोलना सीख जाए। आज आप मानव जीवन में घूम रहे हैं, मानव से मानवता आपको बनना पड़ेगा। आज से 1000, 2000, 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी धरती पे मंदिर नहीं थे। उस समय जिस सिस्टम से पूजन पाठ चलता था, आप वह सिस्टम को अगर ग्रहण करते हैं तो आप हर क्षेत्र में जय विजय प्राप्त करेंगे। तो पृथ्वी पे जब मंदिर नहीं थे, तब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि अग्नि देवता का पूजन कीजिए। अग्नि देवता, जल देवता, आज भी आप देखिए हमारे जितने भी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, यज्ञ अग्नि से प्रतिष्ठित देवी को मूर्ति के अंदर रखा जाता है, उन्हें कहा जाता परमात्मा। परमात्मा अग्नि का पूजन होता है। आप किसी भी मंदिर में 5 फीट का अगरबत्ती दीजिए, 5 फीट अगरबत्ती है, वायु तत्व है, वह देवी देवता आपके अनेक ग्रह को काटेंगे। और अखंड दीपक अगर जलता हो, सरसों तेल का दीजिए। और कहीं भी यज्ञ होता हो, भगवान विष्णु का यज्ञ या शिव जी का यज्ञ, तो वहां अपना नाम जरूर भेजें। आपके जन्म जन्मांतर के जो श्राप जो दोष जो पाप हैं, उसी को ही पितृ दोष कहा जाता है, और यह यज्ञ और जल देवता से ही निवारण होते हैं। आपके पूर्व जन्म के अनेक शत्रु जो कि पितृ देवता नहीं बने, प्रेत आत्मा से घूम रहे हैं, वह आपको परेशान कर रहे हैं। आप पूजन पाठ तो करना चाहते हैं, आपको दबा के वो रखे हैं, आप उठ नहीं पा रहे हो सुबह, ये सब कुछ होता है। और अनेक व्यक्ति साधना के क्षेत्र में हैं, तो साधना से सिद्धि जरूर प्राप्त होगा। अग्नि तत्व और जल तत्व, जल का अर्थ होता है शिवलिंग में जल चढ़े और रुद्राभिषेक नमक चमक।
और अग्नि का अर्थ होता है यज्ञ। तो हम लोग देखते हैं आज वर्ल्ड के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति साधना कर रहे हैं। तो जितने भी व्यक्ति आप साधना कर रहे हो, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। उसका कारण है, आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, पुण्य, उपवास और व्रत, यह सब अगर भर गया है, आपको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। मेरा नाम सुनील अग्रवाल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का ऑल वर्ल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूं। तो श्रद्धा, भक्ति, उपवास, पुण्य, व्रत से कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। कई महिलाएं मुझे मैसेज करती हैं कि हम 16 सोमवार किए हैं शिव जी का, फिर भी हमें शिव जी आशीर्वाद नहीं देते, अर्थात 16 सोमवार उपवास किए हैं। तो हम तो उन महिलाओं को, उन पुरुषों को एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि आप के क्षेत्र में शिव जी का मंदिर होगा, आप शिव जी को 16 माने 16 बांस डाल दीजिए। बांस का अर्थ समझते हो ना, पहले जमाने में बोलते थे कि इसको बांस डाल दो, तो 5 फुट का जो अगरबत्ती आता ना, उसको बांस कहते हम। बांस से नहीं बना है वो। तो आप शिव जी को 16 अगरबत्ती डाल दीजिए, बांस दे दीजिए शिव जी को, फिर आपको शिव जी आशीर्वाद देंगे। उपवास से कोई शिव जी प्रसन्न नहीं होते। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 को मुझे सिद्धि प्राप्त है। मैंने तो जीवन में कभी उपवास नहीं किया, मैंने तो व्रत नहीं किया। और जितने भी दुर्गा देवी के भक्त हो, आपका जो चिंतन है यह दानवता का चिंतन है, राक्षस शक्तियों का, और दिल में आपका भक्ति भरा हुआ है, तो ये चिंतन में जो दानवता भरा हुआ है उसको निकालिए। दुर्गा माता यह आदि शक्ति है, खेलनी मेली नहीं है। 2001 को करीब 30 वर्ष के उम्र में मुझे दुर्गा सप्तशती यह कल्प वृक्ष का सिद्धि प्राप्त है 2001। तो कहीं भी यज्ञ होता हो, आप नाम शामिल कीजिए। यज्ञ अग्नि का काम है, आपके परिवार को पहले वह सुरक्षित रखेंगे। आपके पूर्वजों का जो मर गए हैं, पूर्वजों के साथ जो थे, जो शत्रु, वह राक्षस शक्ति बन गए हैं। यज्ञ से आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे, यज्ञ से देवी देवता प्रसन्न होंगे। तो यज्ञ अग्नि के पथ पे चलें, और ये करोड़ों अरबों लोग आज शापित जीवन व्यतीत कर रहे हो, जन्म कुंड लेके इधर उधर दिखा रहे हो, कुछ प्राप्त नहीं होगा। पितृ दोष से ही श्रापित दोष बनते हैं। और कई व्यक्ति सोच रहे हो हम मरने के बाद हमारा आत्मा स्वर्ग जाएगा, आत्मा आपका स्वर्ग नहीं जाएगा, आपके पूर्वजों का भी नहीं गया। आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए दुर्गा सप्तशती जो चंडी पाठ है, वह पूरा ग्रंथ को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। यह ग्रंथ में 4 तालाएं हैं। एक ताला जो अथ देविया का वचन, आप आसाम राज्य गुवाहाटी मां कामरूप कामाख्या देवी के मंदिर में जाए, मां से प्रार्थना कीजिए, मां हमारे आत्मा में आत्मसुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। मंदिर से बाहर करके बाहर आके एक बार पढ़ लीजिए, 1 सेकंड में सिद्धि होगा। यह एक ताला। दूसरा ताला जो है गायत्री महामंत्र, यह श्रापित है दुर्गा सप्तशती, जाप कीजिए। और फिर तीसरा ताला खोलिए, यहां देखिएगा 2, 3, 4 अध्याय, महालक्ष्मी देवी प्रीत्यर्थे, कहीं भी विष्णु का यज्ञ होता हो शामिल हो जाइए। फिर 5वां अध्याय से 13 अध्याय महासरस्वती प्रीत्यर्थे, शिव जी का अध्याय है,
सरस्वती शिवलिंग से उत्पन्न होते हैं, अरुद्राभिषेक नमक चमक, और फिर दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ शनिवार को यज्ञ 24 घंटा अखंड। तो ये दुर्गा सप्तशती में दो आत्मा के लिए पावरफुल मंत्र हैं। एक तो अथ देविया का वचन जरूरी है, दूसरा जब आपका आत्मा शरीर से निकले बुढ़ापा में तो आपके श्मशान घाट में ही इच्छाधारी नागिन आपके आत्मा को दबोच लेंगे और पहाड़ों के अंदर बंद कर देंगे। तो वह इच्छाधारी नागिन और नाग से आपके आत्मा को बचाने के लिए जीवित रहते यहाँ एक मंत्र है, रक्षांश इत्रोगर विसाचना का, यत्र रोगसु बलानि यत्र दावानद यत्र तथापि मध्ये तत्र स्थातुं परिपासि विश्वम्। यह मंत्र यज्ञ में सिद्ध होते हैं, उसके बाद ही आत्मा स्वर्ग जाएंगे। आप इस पृथ्वी पे रहते हो, आपको यज्ञ करवाना ही पड़ेगा, बिना यज्ञ किसी का भी आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगा। यज्ञ से आपके पूर्वजों का पाप श्राप कर्म जलेंगे, पुण्य का उदय होगा, तभी आपका आत्मा स्वर्ग जाएगा। आपके पूर्वजों ने अगर इस धरती पे यज्ञ नहीं करवाए थे तो उनका आत्मा स्वर्ग नहीं गया है। कोई दान दे दो, इच्छाधारी नाग नागिन आपके आत्मा को छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। 10-10 लाख इच्छाधारी नाग नागिन मेरे शरीर में घूम रहे थे, 23 वर्ष की उम्र में माँ दुर्गा मुझे अपने चरणों में ले ली थी, और तब जो है मेरा उम्र 23 वर्ष था, तो मैं अपना जादू कला ज्यादा नहीं दिखाता था, क्योंकि मुझे मालूम है जन्म से ही मेरे शरीर में जो आत्मा है वह प्रीमियम क्वालिटी का है। तो 23 वर्ष की उम्र में 94 में मैंने एक छोटा सा झलक मेरा शब्द दिखाया था। रहने वाला मैं केसिंगा उड़ीसा का हूँ, तो केसिंगा में बहुत बड़ा एक दुर्गा देवी का मंदिर बन नहीं पा रहा था, तो दुर्गा देवी के दूत बोले चल सुनील यज्ञ से उत्पत्ति और यहाँ तेरे को रहना है। तो दुर्गा देवी तो जानती है कि इसके शरीर में जो आत्मा है ये कौन सा आत्मा है, तो मैं बोला ठीक है देवी। बोले सुनील तेरे को यहाँ सोना है दिन रात और मंदिर पूरा करवाना है। तो साथ में हमारे थे हरिमंडली केसिंगा के सभी भाई और जमींदाता राम कुमार अग्रवाल और भी अनेक सदस्य। तो हमने तब केसिंगा गांव के दुर्गा के जो ओरिजिनल भक्त हैं उन ओरिजिनल भक्तों को कहा था कि 3-4 लाख रुपया दे दो, मंदिर पूरा हो जाएंगे। तो तब ओरिजिनल भक्तों ने कहा था कि हम 3-4 लाख रुपये नहीं देंगे। ये समय था 94 का, वहां के जो सदस्य हैं उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो रात को मैं वहां सोता था तो दुर्गा देवी के भक्त बोले सुनील थोड़ा जागृत कर। मैंने कहा किसे जागृत करूं? बोले दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय महाकालिका देवी को। मैं बोला ठीक है जागृत कर देते। रात को 12 बजे जागृत किया। कुछ दिन के बाद सुबह उठा मैं और मार्केट जाके एक रेड कलर का कलर ले आया और वही दुर्गा मंदिर में जितने भी पानी के ड्रॉम थे वहां लिख दिया 70 लाख मंदिर ये बनेगा। अब 5-7 फुट उठा हुआ था देवी का मंदिर, तो दीवार में लिख दिया मैंने 70 लाख मंदिर बनेगा। तो सुबह हमारे कुछ जो कि मंदिर से कनेक्ट थे आए, देखे, बोले क्या लिखा है सुनील? मैं बोला देवी का पूरा 70 लाख मंदिर बनेगा, 70 लाख का
बोलेगा यहाँ तो 3 लाख हमारे पास नहीं है, 70 लाख कैसे बनेगा। मैंने कहा मेरे मुख से शब्द निकल गए, ये पूरा 70 लाख का मंदिर बनेगा। अब पूरा 70 लाख का मंदिर बना, तो ये शब्दों का शक्ति है, माने ये दैविक शक्ति है। मैं तो सिर्फ माध्यम था, मेरा आत्मा उसी समय कनेक्ट हो गया था दुर्गा से। तो एक झलक तो हमने दिखा दिया था 94 माँ दुर्गा मंदिर कमेटी को, प्रतिष्ठा हुआ 96। फिर मैंने कहा कि चलो भवानी भगवती का मंदिर हो गया, अब तो जीवन भर यहां बहुत जोरों से देवी माँ का यज्ञ करवाएंगे, हर वर्ष यज्ञ, बहुत खुश था मैं। लेकिन एक समय का ऐसा चक्र आ गया, हमारे अंदर ही एक जयचंद गद्दार, जयचंद राजा नाम सुनो, गद्दार, एक गद्दार पैदा हो गया। फिर चला ऐसे 1998 में, वह जो हमारे अंदर जो एक सदस्य था, मैं तो सोता था मंदिर में, वह 40 आदमी को लेके आया, बोला चलो 40 आदमी और सुनील को यहां से निकालेंगे, और अगर नहीं माने, अगर सुनील नहीं मानता हो तो इसको रात को ही यहां खत्म कर देंगे। तो 40 आदमी आए रात को 1998, और तब मेरा चल रहा था दुर्गा देवी के साइट में और एक मंदिर माता वैष्णो देवी का। 40 आदमी आए रात को, बोले मंदिर तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मैं बहुत रोया कि जुल्म मत करो, बोला नहीं तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो 40 आदमी थे, मैं अकेला रोता गया, उम्र कम था, 1998 बहुत कम उम्र था, रोता गया ऐसा मत करो, बोले तुझको ये मंदिर छोड़ना पड़ेगा और यहां तेरा कोई पूजन भी नहीं हो सकता, अगर पूजन करेगा तो पूजन सामग्री भी तेरा फेंक दिया जाएगा, और फेंक भी दिया गया वर्षों तक। तो सब दुर्गा देवी देख रही थी, दुर्गा देवी हंसने लगी, बोले सुनील तू रोता क्यों है, तुझे ये 40 आदमी मारने आए हैं, तुझे हाथ सिर्फ लगा देंगे और उसके बाद दुर्गा क्या होती है हम दिखा देंगे। तो 1998 था, 40 आदमी को मैंने कहा देखो मेरे शब्द में एक ऐसा शक्ति है, और जिस मंदिर तुम मेरा बंद करवा रहे हो मेरे हाथों से निर्माण, यह मंदिर आप लोगों से कभी नहीं बनेगा। और 14 वर्ष तक वह मंदिर बंद रहा। तो पैदाइश जन्म से हर इंसान के शरीर में आत्मा, दैविक शक्ति आत्मा है। ये तो दो हमने बताया आपको, और तीसरा शब्द मैंने मेरे पिताजी को कहा था, जब घर जाता था तो मेरे छोटे भाई के दोनों बेटे पारस और प्रेम बोलते थे कि ताऊ ताऊ पड़ोसियों का घर देखो, मार्बल का बहुत बड़ा बिल्डिंग का। मैं बोला बेटा चिंता मत करो, और आज तो मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है कि घर बना पाऊं, और तेरे पापा के पास भी नहीं है कि मेरे पापा के पास भी नहीं है, लेकिन घर तो बनेगा बेटा तुम जैसा चाहो। फिर मैंने फूफा किया शिव मंदिर में जाके, और दुर्गा देवी को बोला ऐसा ऐसा बात है। देवी हंसने लगी कि घर ही तो चाहिए। मैं बोला हाँ देवी जा, विष्णु का यज्ञ करवा, घर हो जाएगा। तो पिताजी चौंक गए, बोले इसके शब्द में क्या जादू है। तो आपके शब्दों में ही सब कुछ खेल है। आप यज्ञ अग्नि के पद पे चलें, श्रद्धा भक्ति को निकाल दीजिए। आज आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या है, यह आपके पूर्वजों का देन है, इसी को कहा जाता है पितृदोष। और पितृदोष को आप अगर यज्ञ से निवारण नहीं करते हैं तो यह श्रापित दोष में परिवर्तन हो जाएगा। और एक चीज विश्ववासी को हम बतलाना चाहते हैं, मैं तो केसिंगा छोड़ चुका हूं, लेकिन केसिंगा में जो सबसे बड़ा दुर्गा देवी का मंदिर है,
यह दुर्गा माँ के आशीर्वाद आदेश से, यज्ञ देवता के आदेश से 1994 मेरे माध्यम से ही दुर्गा देवी बनाई है। भले ही मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि मैं वहां 94 में तो कमिटी नहीं बना, तो जब कमिटी बन रहा था वहां तो मैंने बहुत विरोध किया था कि यह तो एक कंडीशनली मंदिर है, और कंडीशन ऐसा था कि जो व्यक्ति श्रमदान देंगे वही कमिटी में रहेंगे, बाकी हम वर्ल्ड के अंदर लोगों को यहां अनुष्ठान मेंबर बनाएंगे। तो शुरुआत से ही मेरा विरोध था, और जमींदाता राम कुमार अग्रवाल का भी विरोध था। तो वहां उस समय जो 94 मैं अपने आप को जो दुर्गा देवी का भक्त बोल रहे थे, लोगों को बतला रहे थे कि हम दुर्गा के भक्त हैं, उनके दिल में भक्ति है लेकिन दिमाग में मानवता है, राक्षस शक्ति, मेरे तो घने गए थोड़े रहे। तो दुर्गा के जो भक्त हो 94 के, आपने जो कर्म किया है दुर्गा के भक्त को जो सताया है आपने, तो उसका तो आपको उसी दुर्गा के मंदिर में जाकर सुधार करना होगा, क्योंकि मैं तो केसिंगा छोड़ चुका हूं, और दुर्गा देवी से 96 प्राण प्रतिष्ठा से बात करना शुरू किया था, आज भी बात कर रहा हूं। और मुझे 2001 को दुर्गा सप्तशती का भी सिद्धि प्राप्त हुआ, और 2001 को ही कोई भला मानो, कोई भला मानो, हम तो नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि उम्र अभी बहुत मेरा बीत चुका है, मुझे मारने के लिए कोशिश किया और मार नहीं पाया तो मुझे पूरा तंत्र से बंधन करवा दिया था 2001 को, और 2023 को मैं खुल चुका हूं, 23 वर्ष हो गया, लेकिन नाम अभी और बतलाना नहीं चाहता कि किस किस ने मेरे ऊपर तंत्र बंधन करवाया था, नाग तंत्र, अग्नि अस्त्र, मुझे मारने के लिए। तो यह तंत्र जो मुझे बंधन करवाया गया था, जिसने भी किया था, यह कर्मों का फल कौन भोगेगा, कर्म का फल कर्म ही देंगे। 23 वर्ष तक मैं बंधन रहा, 23 इयर्स, और 2023 को मैं खुल चुका हूं। धन कमाने के लिए मैंने कभी धर्म धारण नहीं किया, जिसको भी यज्ञ के पद पे शामिल होना हो मेरे नीचे व्हाट्सएप में आकर चैटिंग कीजिए, धीरज जिसको हो हर क्षेत्र में जय विजय होगा। धीरज आपके पितृ दोष कोई पंडित निवारण नहीं कर सकता, ओनली यज्ञ स्वाहा, ओनली यज्ञ, यज्ञ कैसा हो भगवान विष्णु, यज्ञ कैसा हो शिव रुद्राभिषेक नमक तमा, ओनली व्हाट्सएप चैटिंग, मुझे कॉल मत कीजिएगा। ओम।